हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इस फ्रूट फेशियल का पूरा डेमो देने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना जिससे आपको पता चल जाए कि इस फ्रूट फेशियल को आपको करना कैसे है और इसका रिजल्ट कैसा मिलने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ब्यूटी हट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए, सबसे पहले जो हमें मसाज करनी है वो है स्क्रब की। यह है फ्रूट स्क्रब एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स। यहाँ पर मैंने मिक्स फ्रूट फेशियल लिया है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही फेस पर ब्लीच कर ली है। अगर आप मेरी ब्लीच वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से ब्लीच वाली वीडियो चेक कर लेना। तो अब मैं आपको पूरा फेशियल करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं स्क्रब की अच्छी सी क्वांटिटी ले लूंगी, लगभग इतनी क्वांटिटी तो आपको लेनी ही है। स्क्रब को पूरे फेस पर अच्छे से फैला लूंगी और स्क्रब की आपको बहुत ही हल्के हाथ से मसाज करनी है, क्योंकि इसके जो ग्रैनुअल्स होते हैं वो थोड़े हार्श होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही हल्का हाथ रखना है। थोड़ा सा पानी लगाकर हाथ पर फिर मसाज स्टार्ट करनी है। हमेशा गर्दन से स्टार्ट करते हैं फेशियल करना और फिर ऊपर की साइड हम फॉरहेड तक जाते हैं। इसकी मसाज आपको 5 मिनट की करनी है और प्रॉपर, अगर आपको सारे स्टेप्स पर एक एक स्टेप अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको शो करूं आराम से, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सारे स्टेप्स की वीडियो शो कर दूंगी। फ्रूट फेशियल एक ऐसा कॉमन फेशियल होता है जो आप हर स्किन पर कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती इसको करने में। नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, हर स्किन पर आप इसको कर सकते हैं। बस अगर आपके फेस पर पिंपल्स हैं तो आप इसको अवॉइड करिए, अदरवाइज बाकी नॉर्मल स्किन के लिए तो ये बिल्कुल ही सही रहता है। और आईज पे करते हुए तो बहुत ही ध्यान रखना है, मैं बहुत ही लाइट हैंड रख के मसाज कर रही हूँ और आईज पे तो बिल्कुल नाम जा रहेगा स्क्रब किया है। और इसके स्क्रब की फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है। फिर से वाइप्स की हेल्प से आपको फेस को अच्छे से क्लीन कर देना। तो ये है इसकी क्रीम और इसकी भी मैं काफ़ी अच्छी सी क्वांटिटी ले लूँगी और अब इसको भी मैं पूरे फेस पर अच्छे से फैला दूँगी। अब फिर से मैंने पानी लगा लिया है थोड़ा सा मसाज करने के लिए और इसकी मसाज आपको 10 से 15 मिनट करनी है। अगर यंग स्किन पे कर रहे हो तो 10 मिनट काफ़ी है, बट अगर आप मैच्योर स्किन पर कर रहे हो जैसे कि मैं कर रही हूँ इस टाइम, तो आपको 15 मिनट तक करनी है।
इसकी क्रीम की फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छी है और ये बहुत ही अच्छे से नरिशमेंट देती है फेस को। अब मैं फ्रूट फेशियल मसाज जेल की मसाज करूंगी। इसकी भी आपको अच्छी सी क्वांटिटी लेनी है। अब इसको भी मैं पूरे फेस पर अप्लाई करूंगी। सबसे पहले आप चाहो तो क्रीम के ऊपर भी जेल की मसाज कर सकते हो उसको बिना उतारे। अब यहाँ भी सबसे पहले मैंने पानी लगा लिया थोड़ा सा हाथ पर, जिससे मसाज करने में आसानी रहे। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छी थी और अब इसको भी मैं वाइप्स की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर दूंगी। अब मैं लास्ट में फ्रूट फेस पैक अप्लाई करूंगी, एक्टिव क्लेंजर। तो इस बाउल में मैंने फेस पैक निकाल लिया है, साथ में मैं इसमें रोज़ वाटर मिक्स करूंगी थोड़ा सा, क्योंकि इसका टेक्स्चर पहले ही थोड़ा सा पतला है। बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा होता है तो आपको ज़्यादा रोज़ वाटर ऐड करना पड़ता है, या अगर आप ड्राई पैक यूज़ कर रहे हो तो उसमें मिस्ट भी ऐड कर सकते हो आप, रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो। और अब मैं ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फेस पैक को आपको ऊपर की तरफ लगाना है। मैंने हमेशा लोगों को देखा है कि नीचे की तरफ फेस पैक लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा ऊपर की साइड ही फेस पैक आपको अप्लाई करना होता है, क्योंकि फेशियल हम स्किन लिफ्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो फेस पैक को भी आपको ऊपर की साइड ही लगाना है। और इसको आपको लगभग 10 से 15 मिनट फेस पे लगे रहने देना है और उसके बाद क्लीन करना है। इसको भी आपको आई एरिया को छोड़ के और लिप्स पर नहीं लगाना है। फेशियल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फेस पर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए। और फेशियल करने और ब्लीच करने के बाद आपको नेक्स्ट डे फेस वॉश करना होता है, सेम डे आपको फेस वॉश की जरूरत नहीं होती है। तो ये था मेरा आज का फ्रूट फेशियल का कंप्लीट डेमो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ऐसी और वीडियोस के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।